दोस्तों कैंपिंग करोगे साथ में? भैया अभी इसमें डाल देते हैं चटनी। और हमारे मेन कैंपर साहब देखो ऐसे सोए पड़े हैं, ये ऐसी बकचोदी के लिए दोबारा संपर्क करें। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू कैंपिंग वीडियो में। आज हम जा रहे हैं नाइट ग्रुप कैंपिंग के लिए और मौसम हुआ है ख़राब, रात में बारिश के चांस हैं। हमारे साथ माँ साहब और लोग पीछे आ रहे हैं और मौसम दिखाऊं तुम्हें मैं, पूरे बादल लगे पड़े हैं अभी तो फिलहाल। चलो तुम्हें मिलते हैं हम सीधे कैंपिंग साइट में। मेरे चल रहा है कैंपिंग में, कैंपिंग में मिलते हैं यार अगली वीडियो में। क्यों वहां से लाया ऐसे? अभी क्यों नहीं, अभी कहीं जा रहा हूँ मैं गाइज। ठीक है भैया, डन है गई, डन हो गया, डन है गई, हो गया नहीं है गई, है गई। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी साइट की तरफ और यहाँ है पीछे का नज़ारा और सामने में है लंगूर, एक लंगूर तो लंगूर को। चलो आज इनके साथ रहेगी कैंपिंग। क्यों दोस्तों आ जाओ रे, कैंपिंग करोगे? अरे कहाँ भाग रहे हो? दोस्तों कैंपिंग करोगे साथ में? सब बैठ के भैया गोल करके। तो भैया ये रही आज की लोकेशन हमारी, यहाँ पे हम लगाएंगे टेंट वेंट और ये रहा सामने का नज़ारा। कुछ इस तरह का मौसम हुआ है ख़राब, बारिश आ सकती है आसार हैं क्योंकि दिन में हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले टेंट सेट कर लेता हूँ, उसके बाद करेंगे और काम। ये हमारा सब्सक्राइबर यहाँ तक आ गया हमारे पीछे पीछे, क्यों आया यहाँ तू? अच्छा चलो बढ़िया है, हाँ सफाई करो, ये पानी भर लो यार इसमें से मेरी जान। बस पहली बताऊँ जी भाई, आन कौन सा नाम यार दा यार पान कौन से उधर से बहुत बुरे यार, खबर कर कान ना जानो यार ले यार मेरे को ये की हो ना अभी। अच्छा हाँ और दूंगा ना मैं, मैं क्यों आऊँ जानवर तू जाओ यार दया मेरी जान। मां साहब चलो पानी, मां साहब को कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं ए तू दिया दोनों चाय मसाला है कुछ गरम मसाला। ये इसमें कर लेते हैं मोमो फ्राई पहले। यार ये तो टूटा है इसमें,
इसके लिए हम काट लेते हैं प्याज। भैया अब इसमें डाल देते हैं चटनी, साइड में डालेंगे। सही तो नहीं लगभग लगभग लहसुन से डीएम से बढ़िया तो हो रहा है। इसमें रख दिया हमने चावल, क्योंकि लकड़ियाँ गीली हैं तो आग जल नहीं रही, हमने गैस में बनाने की सोची है। और हमारे माँ साहब आग जलाने में लगे हैं, क्योंकि इसमें हम चिकन रोस्ट करने वाले हैं अभी, तब तक कोयले हो जाएंगे तैयार। दोस्तों मैं यहाँ पे चिकन रोस्ट के लिए प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेता हूँ। इसमें डाल देते हैं हम चिकन, बोनलेस लाया हूँ क्योंकि हमने रोस्टेड करना है। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, नमक के बाद डालेंगे हम इसमें हल्की सी मिर्च। अब इसे हम सीख में कर देंगे फिट। एक गया हमारा चिकन, एक गया टमाटर, उसके बाद जाएगा इसमें प्याज। प्याज यार लेकिन सब वो हो जा रहा है ना, ये निकल जा रहा है। भैया यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया है 3 सीख में। अब इसे हम आग में करेंगे रोस्ट, फिर आएगा मज़ा। तो भैया यहाँ पे हमारा चावल हो चुका है तैयार, हल्का सा इसे और पकाते हैं 1 सीटी। दोस्तों अब रख देते हैं इसमें हम चिकन रोस्ट के लिए। ये रख दिया, इसमें हल्की हल्की हम हवा लगाएंगे जिससे बढ़िया तरीके से रोस्ट हो जाए। भैया यहाँ पे हमारा चिकन हो चुका है रोस्ट, अब इसे हम इसमें से निकाल लेते हैं। देखने तो बढ़िया हुआ है, चलो थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। माथा आओ यार, उसका मजा लेते हैं हम। रामू, तो ये है हमारे दिल्ली वाले सेफ, ये पड़ गया है भैया। इसमें
मिर्ची, मिर्ची भुनेंगे पहले, उसके बाद पड़ेगा प्याज। और हमारे जो कैंपर साहब थे वो हैं सो गए हैं, वो वहाँ पे कैंप टेंट पे सो गए हैं वहाँ पे। ये बढ़ गया भैया प्याज, अब उसके बाद पड़ेगा टमाटर। मनो, ओ मनो, ये भाई हमारा बन गया है खाना पूरी तरह के से। ये चावल डालने हैं और ये स्लेट, और इसमें बन गया हमारी दाल। दाल ओपन करो भैया, अभी पकी, अभी भी पकी है। और हमारे मेन कैंपर साहब देखो ऐसे सोए पड़े हैं, ये पता नहीं कितने दिनों से सोमर पका रहे थे, तब ये सोए पड़े हैं। अभी इनको उठाएंगे हम और बस खाना खाएंगे। नमक तो थोड़ा ज़्यादा हो रखा है लेकिन बहुत बढ़िया हो रखा है, दाल बढ़िया बनी है। तो भाई गाड़ी गाड़ने थैंक यू, आपने तारीफ की, तारीफ क्या की, सब में हो रखा है बढ़िया, बढ़िया बना ला तो कौन है यार, कंपटीशन कर रहे हैं तो जल्दीबाजी वाले हैं, कहाँ से खाऊं। ना फर्स्ट क्लास बढ़िया है, इनका ही नंबर है अगली बार तो कैंपिंग में फोन करने का, ये तो आज जल्दबाजी थी। देख लेना जल कुछ भी जल कीड़ा है ही नहीं, गया गर्म है इससे उठा तो नमक पी लो बस। वो खड़ा है तो नमक डाल यार थोड़ा। 2000 years later गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात खाना ना खा के सो गए थे, वीडियो तो बना नहीं पाया मैं, उसके बाद जल्दी से पैकिंग वैकिंग करते हैं चलते हैं, टाइम हो गया ज़्यादा। और सामने देखो भैया बादल लगे हल्के हल्के, क्या मस्त नज़ारा हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ के हड़ता करता हूँ बकचोदी हो गया खत्म पैकिंग वैकिंग हो गए, इसी प्रकार की बकचोदियों के लिए मिलते रहे, मुख देखी ना ऐसी बकचोदी के लिए दोबारा संपर्क करें इंडियन कैंप, ऐसे करूं शकल नहीं आ रही थी तुम्हारी। हाँ ये आएगी ना,
ये पजामा साफ ना है यार। पजामा कौन दिखा रहा है? मां साहब हेलो कर दो। ओ मां साहब हेलो हेलो। अरे यार तो शर्मा मत यार मां साहब। तो भैया पैकिंग वैकिंग करके हम नीचे को निकल चुके हैं घर को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। <दुण लागी। laughs>